तो दोस्तों स्वागत है आपका। इस बार सॉरी यार उसके लिए वीडियो हो गई लेट मोटो व्लॉग की, क्योंकि मैं लगा हुआ था काम में और फिर मेरा कल बर्थडे भी था। फिर मैंने एक वीडियो कल डाली थी, वो आप देखोगे ना आज कल वाले उस पर टाइम पे एक वीडियो होगी। वो मोटो व्लॉग की तो नहीं, क्योंकि मैं बाइक चला नहीं रहा था काफ़ी दिन से, टाइम थोड़ा काम में लगा हुआ था। अभी आज चलाइए बाइक तो आज दिखाता हूँ आपको मैं। पब्लिक रिएक्शन थोड़ा सा मैंने सोचा था आज बनाएंगे वीडियो, पर उतना ज़्यादा जाम नहीं हो रहा, पुलिस बैठी हुई साइड में पब्लिक रिएक्शन की जगह, तो दिखाता हूँ आपको मैं कुछ। अभी मेरा हेलमेट का ना वाइज़र भी टूट गया परसों, घर पे रखा हुआ था वो ऊपर, वो कुछ सफाई वफाई चल रही होगी तो वो हेलमेट नीचे गिर गया, उसका वाइज़र टूट गया ब्लैक वाला। अभी ये क्लियर वाला वाइज़र है, इसको पहन के ना मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती, क्योंकि इसमें से ना फेस दिखता है बाहर से, कोई भी देख सकता है, तो उसमें ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, वो ब्लैक वाला सही रहता है। तो लाऊंगा मैं, करोल बाग जाऊंगा संडे को अपना, एक उसका क्रोम वाला या फिर वो वाला क्या बोलते हो, मरकरी वाला वाइज़र लाना है, मेरा वो टूट गया अपना। आर आर थ्री टेन में जो पावर है ना वो अनबीट है, मतलब 300 cc में। अब 390 की ना पावर इससे ज़्यादा है बाइक की, कहते तो यही है सब, पर मैंने उसको टॉप तक कभी चलाई नहीं 390 को, पर मुझे लगता है कि इनिशियल इसका अच्छा है। मैंने RC 390 चलाई है इनिशियल तक, टॉप स्पीड तक नहीं चलाई क्योंकि लोकल रोड पे चलाई है, तो इसके इनिशियल मुझे ज़्यादा पावरफुल लगता है, और ट्रैक मोड का तो काफ़ी अच्छा है अभी तो अर्बन मोड पर। तो गाइज मैंने एक पोस्ट किया था अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी करूँगा, तो थोड़ा सा ना जो इंस्टाग्राम है ना उसका मेरा नाम है एग्जॉटेड ब्लॉग्स करके, इंस्टाग्राम पे जाओगे पोस्ट बाइक की और मेरी दिखी जाएंगी वीडियो कुछ रील्स वील्स। हाँ तो मैं कह रहा था मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट किया था कि अगला ट्रिप कहाँ का करूँ, मतलब अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मेरा ट्रिप की प्लानिंग है राजस्थान में उदयपुर जाने की, जयपुर उदयपुर दो जगह। तो बताना कि राजस्थान में उदयपुर या जयपुर, मतलब उदयपुर का करूँ या फिर बिरबिलिंग ना मेरे टाइम बहुत दिन से ना दिमाग में चल रहा है यार, सोलो ट्रिप करनी है मुझे हिमाचल बिरबिलिंग की। तो और डिस्टेंस सेम ही है दोनों, 500-600 किलोमीटर के करीब है वन साइड, तो 601 किलोमीटर के करीब है दोनों, एक ही डिस्टेंस है। तो पर वो है, वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर है, ये फ्लैट रोड है, तो थोड़ा डिफरेंट इस चीज़ में आ जाता है ना कि इधर राजस्थान में मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा हिमाचल से। तो सजेस्ट करना, मैंने उस पर यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है सजेशन के लिए कि मतलब कहाँ का ट्रिप करूं अब, राजस्थान या फिर, क्योंकि हिमाचल ना मैं बहुत ऑलमोस्ट हिमाचल मैंने पूरा ही घूम लिया भाई, कुछ बचा नहीं है हिमाचल में लद्दाख छोड़ के। तो बताना कि उस पर कहाँ जाऊँ, उदयपुर या फिर बिरबिलिंग, वो मैंने कर रखा है हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान, तो उस पर आप वोट करना, जो जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगी ना इस बार वहाँ जाऊँगा। जैसे मैं अभी तुम्हारा उधर गया था कसौली पे वोटिंग ज़्यादा थी तो कसौली गया था भाई। मैंने कभी मतलब नॉर्मल डेज का संडे वाले दिन भी, आप आ जाओ यहाँ पे छतरपुर पे मेहरौली वाला जो रोड है, कभी खाली नहीं होता यार, यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम रहने लगा है ना। और आज से नहीं, मैं जब गुड़गांव जॉब करने जाता था ना मेट्रो से, तो मेट्रो छतरपुर से ना ये रोड दिखता है, जब आप कुतुब मीनार और छतरपुर पे जो लोग जॉब करते होंगे दिल्ली में उनको पता होगा, कभी खाली नहीं होता भाई, इधर जाम ही रहता है, हमेशा ही जाम है भाई, कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि मतलब एक रेड लाइट है चलो सिर्फ रेड लाइट पर रुके हैं, पहले 10-15 मिनट तो जाम में निकालने पड़ते हैं, उसके बाद फिर वो रेड लाइट आती है। ब्रेक शू घिस गए शायद, आगे वाली आवाज़ आ रही है, ड्यूक जा रही है आगे, वेट करो भाई जाम लगा हुआ है मेरा ना, जाम ये पूरा ही जाम रहता है, ये अगली दो रेड लाइट तक जाम है। Thank you.
ओ भाई साहब खतरनाक आई थी यार स्पीड ये। शिट यार रेन मोड पे लग गया, मुझे ट्रैक पे लगाना था जल्दबाजी के में ना, मैंने वो चेंज करना भूल गया यार इसका ट्रैक मोड का। वो रोड खाली था, अच्छी स्पीड पकड़ लेती, मिस हो गई यार। पता नहीं कुछ पानी सा आया था पैर पे, वो चेक कर रहा था मैं, क्या चीज़ थी समझ में नहीं आई। फिर जाम भाई, यार बहुत कम मौका मिलता है इतना। वाओ भाई साहब शूट तो अच्छा। हाँ भाई यार मैंने भागा तो ली इसको ट्रैक मोड पे, पर इशू आ गया बहुत तकड़ा, शायद कुछ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देखना क्या हुआ। कुछ हो गई प्रॉब्लम, वो इंजन मेल फंक्शन आ रहा था ना लिखा हुआ ABS वाला, बस ये गाड़ी ना ऐसे पिकअप लेके उठ रही है और अब थोड़ी स्टार्ट हुई है। हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं डर गया था पता नहीं क्या हुआ बाइक के अंदर। और इन्हें ट्रैक मोड पे ही करने की वजह से हुआ है, पता नहीं यार क्या दिक्कत हुई है बाइक के अंदर एकदम से। कुछ पता नहीं क्या हुआ यार, धुआं भी गर्म सा आ रहा है इसमें से, मुझे डर लग रहा है यार मैं इसको ले गया आगे और ये हो गई बंद तो मुझे हो जाएगी दिक्कत। दिल्ली तक तो लेके भी नहीं जा सकता इसको मैं फिर वापस। पर भागी भी बहुत तेज थी यार गाड़ी, 150+, पर यार 150+ पे तो नहीं होना चाहिए यार ऐसा, पता नहीं क्या हुआ है। अगर मैं इससे आगे चला गया ना तो जो छोटा वाला भाई है ना वो आ भी नहीं पाएगा लेने के लिए, अगर बाइक खराब हुई तो दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार बहुत। कहाँ खड़ी करूँगा साइड में ले जाके, पता नहीं क्या हुआ था मैं डर गया भाई एकदम से। बहुत देर में स्टार्ट हुई यार ये, कम अब सर्विस पे ही जाएगी भाई ये पहले, उसके बाद ही ये चलेगी यार, मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये साले ये इंजन मेल फंक्शन है ना इसने ना मेरी बाइक का ना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा भी। पर भाई वो आवाज़ बहुत तेज़ थी यार, वीडियो में अगर आई होगी ना कैमरे के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी बाइक की, भाई इतनी तेज़ आवाज़ थी मैंने पहली बार सुनी है ट्रैक मोड के ऊपर इसकी आवाज़ बाइक की, मतलब ऐसी थी जैसे इसका ना साइलेंसर चेंज कर दिया तभी बंद हुई है, कुछ दिक्कत हुई है। थ्रोटल खींचा था मैंने पूरा ट्रैक वाला कि यार ट्राई करता हूँ पूरी स्पीड रेस देके। पर अभी तेज़ नहीं चला रहा मैं इसको, ले जाके खड़ी करूँगा भाई आराम से। तो भाई अभी मैं डर गया था मैंने कि यार बाइक हो गई है बंद कुछ तो, फक अभी मैं डर गया था भैन चो बाइक हो गई है बंद और हो गया काम आज। खड़ा खड़ी करो साइड में, बुलाओ इसको धक्का मारने के लिए, लेके चलो सर्विस सेंटर। कल ही जाती अब क्या ही सर्विस सेंटर जाती, पर यार घर से मेरे सर्विस सेंटर भी बहुत दूर है, लक्ष्मी नगर में पड़ता है चांदनी चौक पे रहता हूँ मैं, वहाँ से वहाँ पे धक्का कौन मारता पहले तो ये था। तो बस वही था भाई, अच्छा हुआ स्टार्ट हो गई यार बाइक, नहीं तो बुलाना पड़ता और इतनी दूर आता कौन यार गुड़गांव लेने के लिए, वो फिर यहाँ से 40 किलोमीटर धक्का मार के पहले घर तक लेके जाना। खैर धक्का तो मैंने
70 किलोमीटर मारा है इस पे जयपुर में, ख़राब वो इसका वो कूलेंट फट गया था, जो रेडिएटर ग्रिल होता है वो फट गई थी, तो कूलेंट निकल गया था सारा तब भी, पर चलो सही हो गई। अब सर अभी इसको भगाऊंगा नहीं यार मैं सर्विस तक, जब तक इसकी सर्विस नहीं होती ना ये तेज़ नहीं चलेगी, क्योंकि इसका ना इंजन मेल फंक्शन ना कंटिन्यूस आ ही रहा है यार जब से, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है मेरी गाड़ी में हुई है। बाकी मैंने एक लड़के से और पूछा था 310RR करौल बाग में, G310 है उसके पास, तो BMW वाली, उसकी भी आई थी सर्विस में वो यही वाला इशू सेम, पर वो कह रहा था वो ABS का था कुछ दिक्कत। मेरे वाले ने भी ABS ही बताया था कि भाई ABS की, अभी शायद मुझे लग रहा है जो बंद हुई है ना गाड़ी तब भी पाया था कि ABS मेल फंक्शन, पहले इंजन मेल फंक्शन नहीं आया था, तो मुझे लग रहा है ABS में कुछ दिक्कत है, शायद ये आगे वाला है ना ये रहा, तो ब्रेक शू घिस गया कुछ उस वजह से प्रॉब्लम हुई है, गाड़ी तब भी बंद हुई है चलते चलते ये, और चलते में ही बंद हुई थी, 160 पे पहुंचने वाली थी ये, थोड़ा टाइम और मिलता तो 160 प्लस पहुंच जाती, तो जब बंद हुई है ये। बाकी देखते हैं यार, कुछ नहीं है आगे देखा जाएगा, अभी कुछ क्या अंदाजा लगा सकते, कुछ और भी खराबी हो सकती है, कुछ सही भी रह सकता है, सर्विस की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो खाली,